दोस्तों स्वागत है आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोन बाय ज़ोन। मेरा नाम है फहीम और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नोकिया 3310 की। तो जो नोकिया 3310 है वो पहले ही लॉन्च हो गया था 2017 में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, मगर वो एक 3G वो एक 2G फ़ोन जावा बेस्ड था। मगर अब नोकिया उसी फ़ोन को लॉन्च कर रहा है अपने 4G वेरियंट में, जिसमें हमें एक एंड्रॉयड बेस्ड वर्जन मिलेगा। तो जो नोकिया का ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है ये 4G में लॉन्च हो रहा है, और क्योंकि इसलिए लॉन्च हो रहा है क्योंकि नोकिया को अपना चाइना का टेलीकॉम जो सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो इस फ़ोन का जो मॉडल नंबर होगा वो होगा TA1077, और ये फोन 4G फ़ोन जो है वो LTE, LD, TD-SCA और GSM को सपोर्ट करेगा, और उसमें चलेगा YunOS जो अलीबाबा का ही एक OS बनाया हुआ है, जो बराबर एक एंड्रॉयड का कस्टम वर्जन है। तो हो गई ये बात, जो पुरानी नोकिया की तरह ही जो हमें नोकिया 3310 में जो ओरिजिनल में 2.4 QVGA कलर डिस्प्ले मिलता था वो भी हमें इसमें ही मिल रहा है, और जो 2 MP कैमरा भी LED फ्लैश और 64 GB की ऑन बोर्ड स्टोरेज मिल रही है। तो जो ब्लूटूथ वर्जन फ़ोन का है वो 2.1 होगा, 1200 mAh की बैटरी मिलेगी और माइक्रो USB पोर्ट फॉर डेटा शेयरिंग एंड चार्जिंग मिलेगा। तो 2018 में ही नोकिया अपना लॉन्च करने जा रहा है फ्लैगशिप किलर नोकिया 9, और ये फ़ोन भी लॉन्च हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं जो नया साल है नोकिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप इस फ़ोन के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है नोकिया 3310 4G वेरियंट के पूरे स्पेसिफिकेशंस के, देख सकते हैं वहाँ से।